प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल थमां पंज ध्याड़े की सरकारी यात्रा पर अमरीका मिस्र लई करदे ने रवाना। अमरीकी कांग्रेस के सांझे इजलास की करगन संबोधित। जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड ने दसवीं जमात के नतीजे किए घोषित। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लद्दाख के 80% विद्यार्थी इन इम्तिहान च हुए सफल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का उच्च स्तर की बैठक च लैता जायजा। सबे काम समय सिर से पूरे करने लई संसाधनों की जुटाने ते वाधू कर्मी लाने की दी हिदायत। पाशाले खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निजर की कनाडा के सरे शहर च गोलीमारी की गई हत्या। पंजाब च आतंकी हमले की साजिश के इल्जाम च भारत च ही होगी तपाश। नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। ते हुण पेश खबरां तफसील कन्ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजे ध्याड़े दे सरकारी दौरे पर कल अमरीका ते मिस्र लई रवाना होई जांगन। प्रधानमंत्री मोदी और अमरीका च कांग्रेस दे सांझे सदन की संबोधित करदन ते इस तरीके ओ इस सदन की संबोधित करने आले भारत दे पहले प्रधानमंत्री बनी जांगन। नवी दिल्ली च अज इस बारे मीडिया की जानकारी दिंदे हुए विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा होरें दस्या जे यात्रा न्यूयॉर्क थमां शुरू होग, जिथे प्रधानमंत्री और आउंदे बुधवारे संयुक्त राष्ट्र मुख दफ्तर उपर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहें की अगवाई करगन। विदेश सचिव होरें दस्या जे ओदे बाद श्री मोदी और वाशिंगटन डीसी चली जांगन, जिथे व्हाइट हाउस उपर वीरवारे उन्दा रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। इथे उच्च स्तर की गलबात की जारी रखने लई राष्ट्रपति बाइडन हुंदे कन्ने मलाटी करगन। श्री कवात्रा होरें दस्या जे इस यात्रा बारे अमरीका च व्यापक स्तर उपर दिलचस्पी दसी जा करदी है। थर्ड कंपोनेंट इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स शेड्यूल्ड एड्रेस टू द यूएस कांग्रेस एंड द कांग्रेशनल रिसेप्शन देयर आफ्टर एंड The concluding component for June 22nd would be the ceremonial state dinner hosted by the Honorable President and the First Lady. जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा की सालाना रैगुलर परीक्षा 2023 के नतीजे की घोषणा कर दी है। इन नतीजे च जम्मू कश्मीर यूटी ते लद्दाख यूटी के 80% विद्यार्थी पास हुए। कुल 1,48,701 विद्यार्थी इस परीक्षा लई फार्म भरिया ते 1,18,792 विद्यार्थी पास हुए। दोने प्रदेशों के 1,615 परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान लैते गए। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित सिंह मनहास और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सलाहकार आर भटनागर ते शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सैकटरी आलोक कुमार हुंदे आसिया समान शैक्षित कैलेंडर की अमल च आनने लई दिते गए मार्गदर्शन ते सहायता लई आभार प्रकट किया। पहली बार है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख की कि एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर फॉलो किया गया। ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का विजन था और उसी के तहत इसको किया गया। तकरीबन 1,48,701 बच्चा इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ और तकरीबन 1,18,000 से ऊपर बच्चा पास हुआ है, जो कि 80% के आसपास रिजल्ट है। तकरीबन 1600 सेंटर्स में पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इस बरी की अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने लिए संबंधित महकमे ते एजेंसियों की एक उच्च स्तर की बैठक की प्रधानता की। लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीमा सड़क संगठन को यात्रा के रस्ते के सुधार बारे जानकारी हासिल की। आख्या जे खतरे की संभावना वाली थारियों पर दोने पासे हिफाजती बन्ने बनाए जान। बैठक च उन्हें फौज के तंबू कायम करने, बर्फ की हटाने, संचार सहूलतें की मजबूत बनाने ते स्वच्छता के प्रबंधन का भी जायजा लैता। लेफ्टिनेंट गवर्नर और संचार सेवा हासिल करवाने वाले की आख्या जो पूरे यात्रा रस्ते च संचार नेटवर्क की उपलब्धता की यकीनी बनान। इस मौके पर उन्हें सिंचाई ते आड़े की रोकथाम वाले महकमे आसे किते जाकर दे कम्मे दा भी जायजा लैता। उन्हें सबे कम समय सिर मुकाने लई कामगारें दी तादाद की बधाने की हिदायत भी दित्ती। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियों का जायजा लैता। एक्ती यात्रा 1 जुलाई 2023 की शुरू होग ते 2 महीने चलोग। सेना कमांडर और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी दी, जिंदे च राती दिखने वाले उपकरणें, स्नाइपरें, ड्रोन प्रणालियों ते विस्फोटक नकारा करने वाले दस्ते शामिल होंगे, ताकि यात्रा की ईमानदारी कन्ने तोड़ चाढ़िया जा सके। सेना कमांडर और बीआरओ भारतीय वायुसेना ते आई एटीट्यूड वारबेन स्कूल की टीमें की तैयारियों की जानकारी भी लैती। सेना आसिया मेडिकल सुविधाएं ऑक्सीजन सिलेंडरें का प्रबंध भी किया जा करता है। पिछले बरे की यात्रा दौरान बदल फटने की घटना के मद्देनजर राहत टीमें की भी तैनात किया जा करता है, ताकि किसी भी किस्म की आपदा कन्ने निबड़िया जा सके।
कनाडा च आधारित खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निजर की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांता के सूरे शहर च गोली मारिए हत्या कर दी गई है। पंजाब च आतंकवादी हमले कराने की साजिश रचने के मामले च भारत च ओदी तलाशी। निजर आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना है। भारत आसिया जारी 40 आतंकवादी की सूची च ओदा नां शामिल है। 2022 च राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने निजर उपर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की। यह घोषणा जलंधर पंजाब च एक आतंकवादी हमले मगरा की गई। पहले NIA ने भारत खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों लिए निजर उपर एक आरोप पत्र दायर किया है। कनाडा के ब्राम्पटन शहर च खालिस्तान जनमत संग्रह कराने पिछे ओदी मुख भूमिका ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होर इस मौके अज नवी दिल्ली च वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वैन ग्यांग हुंदे कन्ने गलबात की। इस दौरान भारत ते वियतनाम विचकार संबंधे की मजबूती देने लिए सोच विचार किया गया। दोने नेताएं आपसी हितें क्षेत्रीय ते वैश्विक मामले पर चर्चा की। इस मौके पर रक्षा मंत्री होर मिसाइल युक्त ते स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए INS किरपान समुद्री जहाज की जिहड़ा इस मौके भारतीय नेवी का एक हिस्सा है की वियतनाम की तोहफे के तौर पर देने की घोषणा की है। इसके समा पहले श्री ग्यांग होर नवी दिल्ली च राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर फुलमाला अर्पित करिए शहीदें की श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर उन्हें सेना के त्रौने अंगे की तरफा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। श्री ग्यांग और कल अपने दो रोजा सरकारी दौरे पर दिल्ली पुजे है। वह भारत च अपने निवास दौरान आगरा भी जांगन। दोनों मुल्कों विचकार रक्षा मामले का दायरा बधाइए ए फौजी अधिकारियों के दौरे समर्थन निर्माण सिखलाई प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र शांति वाहन कमे च सहयोग ते दोनों पक्षों विचकार रक्षा तालमेल शामिल है। सीनियर भाजपा नेता ते केंद्रीय कार्मिक ते सिखलाई महकमे दे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आसिया 2004 बरे थमां 2013 बरे तोड़ी 2,07,563 नियुक्तियां कीतियां गईयां जिलेके नरेंद्र मोदी सरकार दे पिछले 9 बरे दौरान 4,06,91 नियुक्तियां कीतियां गईयां। नवी दिल्ली च पार्टी मुख दफ्तर उपर मीडिया कन्ने गल करदे होए श्री सिंह होरें आख्या जे रेलवे भर्ती बोर्ड राय UPA सरकार दे 2004 थमां 2013 बरे दे कार्यकाल दौरान 3,47,250 कर्मियों की भर्ती की गई जिले के मोदी सरकार के 9 बरें के कार्यकाल दौरान 4,30,594 लोग भर्ती किए गए। मंत्री होरें आख्या जिथे तोड़ी रोजगार की गल है तो 2014 के बाद NDA सरकार के दौरान होई दी भर्ती UPA सरकार के 2014 कोला पहले के 9 बरें दौरान होई दी भर्ती के मुकाबले एक गिनती ते मियार दे साबे बेहतर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कला ते संस्कृति क्षेत्र च योगदान 2023 बरे दे हारमनी इंडिया अवार्ड हासिल करने आलें की मुबारकबाद दी है। वह कल श्रीनगर के टैगोर हाल च हारमनी कल्चर फाउंडेशन की तरफा लोए गए समारोह की संबोधित करा करते हैं। उन्हें कलाकारें ते साहित्यकारें आसिया लोक संगीत भाषा ते साहित्य के बढ़ावे लिए दिए गए योगदान की बड़ा महत्वपूर्ण दसिया। उन्हें आख्या कि जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास लिए उन्नत टैक्नोलॉजी आले क्षेत्रों ते कला संस्कृति विचकार संतुलन बनाना बड़ा जरूरी है। उन्हें अगे आख्या जे इस उद्देश्य की हासिल करने लिए कलाकारें ते नौजवान पीढ़ी की रलिए काम करना होगा। कला संस्कृति से जुड़े मित्रों के लिए स्वाभाविक रूप से आज का दिन खास है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हिंदी के एक मशहूर लेखक थे कमलेश्वर। कमलेश्वर ने कश्मीरी साहित्य के महान रचनाकार दीनानाथ नादिन के बारे में कभी कहा था कि जब भी मैं नादिन के बारे में सोचता हूं तो साथ ही मुझे देवदार के पेड़ याद आते हैं। वैसे ही जब भी कोई जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है तो यहां की महान संस्कृति और उस संस्कृति के ध्रुव तारे हमारे महान कलाकारों साहित्यकारों की तस्वीर स्वाभाविक रूप से उभर कर आती है। इस महीने की 21 तारीख की दुनिया भर च अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र के मुख्य दफ्तर उपर लगने वाले योग दिवस च हिस्सा लेंगन। इस बरे के योग दिवस का विषय है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। जंदे कल पेश किए गए अपने मन की बात प्रोग्राम च प्रधानमंत्री होरें आख्या जे जेड़े लोग योग कन्ने अजे तोड़ी नहीं जुड़े दे उन्दे लई योग अपनाने वास्ते 21 जून का ध्याड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीडिया के किश हिस्से अवरदी इन्हें खबरें पासे ध्यान दिता है जिंदे च इल्जाम लाया गया है जे बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस की तरफा छापे गए किश नोट लापता न। रिजर्व बैंक ने जोर देइए आख्या जे खबरां गलत न। बैंक ने आख्या जे इस बारे RTI तहत हासिल सूचनाएं की गलत तरीके कन्ने व्याख्या की जा करती है। बैंक ने दसा जे छापेखाने की तरफा बैंक की सप्लाई किए गए सबने नोटें की बिल्कुल ठीक गिनती की गई है। यह भी दसया गया जे छापेखाने थवां सप्लाई किए जाने वाले बैंक नोट तैयार करने भंडारण ते बंद सरिस्तों पर भी पूरी चाली
बचाकर रखी जाती है। बैंक ने लोगों की अपील की है जो इस बारे सिर्फ बैंक की तरफा दी गई जानकारी उपर यकीन करन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कल श्रीनगर च इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों की लगी दी 12वीं रेजिडेंशियल बैठक की संबोधित किया। उन्हें राष्ट्र के विकास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स साथिया दिए गए महत्वपूर्ण योगदान लिए उनकी सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर और आख्या कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने लगातार बख-बख सरकारी संस्थानें ते विकास करने संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों की अमलावरी आली नियामक संस्थाएं का समर्थन किया है। उन्हें आख्या कि संस्थान के सहयोग करने भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था आले पासे तेजी करने अगे बदा करदा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें यह भी आख्या कि भारत की ठोस आर्थिक नीतियों कारण विश्व के बड़े बड़े संगठनों ते कंपनियों की भारत की समर्थ पर भरोसा है। आयोजित की गई यह बैठक नीतियों और गवर्नेंस के लिए एक दूरदर्शी पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गीता प्रेस गोरखपुर की 2021 बरे लिए गांधी पीस प्राइज प्रदान किया जाग। प्रधानमंत्री उनकी अगुवाई वाली ज्यूरी ने कल एक बैठक दौरान एक राय कने फैसला लेता। इनाम गीता प्रेस आसिया समाजिक आर्थिक ते सियासी बदलाव लिए गांधीवादी तरीकाकार कने बदलाव आनने आस्ते दिते गए योगदान लिए दिता जा करता है। 1923 च स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबने कोला बड़े प्रकाशकें च एक है ते इन्ने उन्ने तोड़ी 14 भाषाएं च 41 करोड़ कोला मती किताबें की प्रकाशित किया है, जिन्हें च 16 करोड़ श्रीमद भागवत गीता शामिल है। संस्कृति मंत्रालय तरफा दिते गए गांधी पीस इनाम च 1 करोड़ रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र ते एक स्मृति चिन्ह शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गीता प्रेस गोरखपुर की मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट श्री मोदी और आखे जे पिछले तकरीबन 100 बरें दौरान गीता प्रेस ने सराहने योग काम किया है। मुल्खा च 2023-24 बरे दौरान उन्हें तोड़ी ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स की वसूली च 12.73% का वाधा हुआ है। पिछले बरे इसे अरसे दौरान हासिल की गई 3,71,982 करोड़ रुपये की सरकारी आमदन के मुकाबले इस बरे उन्हें तोड़ी 4,19,338 करोड़ रुपये की आमदन हुई है। खालिस वसूली 3,79,760 करोड़ रुपये है, जिड़ी पिछले बरे के मुकाबले 11.18% वाध है। कुल टैक्स वसूली च कारपोरेशन टैक्स च 1,87,311 करोड़ रुपये की वसूली भी शामिल है। 2023-24 माली बरे की पहली तिमाही च पेश की टैक्स के तौर पर 1,16,776 करोड़ रुपये हासिल हुए, जेड़े पिछले बरे के मुकाबले 13.70% वाध है। इसे अरसे दौरान उन्हें तोड़ी 39,578 करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए जा चुके हैं। डोडा प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपर जयका टीच एक बड़े आयोजन की मेजबानी ले तैयार है। यह आयोजन फिटनेस के शौकीने प्रकृति प्रेमी ते योग करने आलें की आकर्षित करोग ते इलाके च पर्यावरण कने जुड़े पर्यटन की बढ़ावा थोग। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन और जय घाटी का दौरा किया तैयारियों का जायजा लिया। इस योग आयोजन च देश भरे थमां 5,000 शा मते लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। डिप्टी कमिश्नर ने सबने भी ए शामिल होने सादा दिता। भदरवाह को और भदरवाह के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने की एक अपॉर्चुनिटी, नशे के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है उसको हाईलाइट करने की एक अपॉर्चुनिटी, यूथ कैसे फिट रहे वो लोगों को बताने के लिए एक अपॉर्चुनिटी। भाजपा के राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना और आज पुंछ ते रजौरी च मनाए जा रहे नरेंद्र मोदी अगुवाई वाली भाजपा सरकार आसिया पिछले 9 बरे च हासिल उपलब्धियों की उजागर करने वाले समारोहें के सिलसिले च नेका प्रोग्रामें की प्रधानता की। इस मौके उन्हें आख्या जे पहले दियां सरकारां ब्रिटिश हुकमराने की फूट पाओ ते राज करो की नीति च यकीन रखती हियां ते श्री नरेंद्र मोदी उनका भारत का प्रधानमंत्री बनना परिवार वाली पार्टियों की नागवार गुजरा करता है। उन्हें आख्या जे विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने की अफवान करने वाले ना करने बुलाई है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है, पर प्रधानमंत्री मोदी और मुल्खा च विकास रमानदारी ते खुशहाली का एक नवा दौर शुरू करिए। उन्हें सबने की अपनी शक्ति ते योग्यता का एहसास कराया है। डोडा जिले च नशाखोरी उपर रोकथाम करने बखी एक बड़ी कोशिश तहत डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन ते एसएसपी अब्दुल कयूम होरे नशे दे आदि व्यक्तियों की पहचान आस्ते संबंधित विभागें की ड्रग टेस्टिंग किट्स प्रदान किए। ये किट्स पुलिस थाने चौकियों नाके ते पुलिस नशा मुक्ति केंद्रें की भी भेजी गई हैं ताजे नशाखोरी पर सख्त निगरानी रखी जा सके। डीसी होरे दस्सिया जे स्कूलें ते कॉलेजें की भी ये किट्स दित्तियां जांगन, इहदे सीएमओ राएं ते सेहत संस्थानें की भी किट्स जारी कीतियां जांगन। इस कार्रवाई कने नशे दे आदि व्यक्तियों का पता लाने दे कने कने नशीले पदार्थों दे तस्करें पर भी निगरानी रखी जाग।
1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नवे प्रमुख होंगन। मंत्रिमंडल की नियुक्तियां संबंधी कमेटी तरफा श्री सिन्हा और दो बरे रॉ का प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। रॉ के मौजूदा प्रमुख सामंत कुमार गोयल हुंदा सेवाकाल इस महीने की 30 तरीक की पूरा हुआ करता है। बीजेपी के सीनियर नेता ते साबका उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और एतवारे महाराष्ट्र के बड़े उद्योगपतियों कन्ने बैठक करिए उन्हेंगी जम्मू कश्मीर च निवेश करने का सादा दिता ते नवी उद्योगिक नीति दे लागू होने मगरा सरकार आसे दी जा करदी रियायतें दी जानकारी दी। उन्हें आखिया जे धारा 370 मुकने मगरा जम्मू कश्मीर च स्थिति बदली है ते सरकार कृषि खाद्य उद्योग शिक्षा ते होरने खेत्र च निवेश चाहती है। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना कही इजाजत दियो। नमस्कार।